Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सी ई टी 5 ईयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम 10 to 12 days, दैट टू फ्रॉम ज़ीरो. तो यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाली हूँ. मैं सीधा आपको प्लान पे लेकर जाने वाली हूँ, जो भी प्लान है डे टू डे, ठीक है ना. यहाँ पर बस आइडिया इतना है कि आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो ज़रूर कवर कर कर जाओ, राइट. अगर अभी तक आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं कवर करे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाओ. ये एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप सब कुछ अटैम्प्ट कर कर आओगे. और क्योंकि ईजी आता है तो बहुत चीज़ें जो अभी तक आपने 12th तक पढ़ी हैं वो भी आपकी यू नो यूज़ में आ सकती हैं. बहुत सारे आंसर्स बना सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो वहाँ पर, राइट. तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, यू कैन कम अप, यू कैन गेट अ गुड स्कोर एंड मे बी आपकी GLC और ILS पुणे में भी एडमिशन हो जाए, राइट. एग्जाम तो आपने देना ही है, तो क्यों ना एक प्लान के साथ दिया जाए, क्यों ना टारगेट्स रखकर दिया जाए, ताकि आप बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम देकर आए और फुल ट्राई दें कि आपकी GLC मुंबई या ILS पुणे में एडमिशन हो सके. सीधा प्लान पे जाऊंगी, बुक्स वगैरह सब कुछ वहीं पर बता दूंगी, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप सीधा पढ़ाई पर लग जाएँ. तो 17 से ये शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है, 17 to 19 May जो है, ठीक है ना. इसके बीच में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs लगा रहे हो. देखो यार, थ्योरी पढ़ने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमको ये MCQ सीधा डायरेक्ट रट्टा मारने पड़ेंगे, ठीक है. 500+ MCQs हैं और इनको ही रट्टा मार के अगर चले जाते हो तो आपको बहुत सारे सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं. 7 to 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेम क्वेश्चंस जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, राइट. अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो आप फटाफट से मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो, जिसमें से आप बहुत 2x की स्पीड पर वीडियोस देखकर अंडरस्टैंडिंग लेते हुए MCQ सॉल्व कर सकते हो. अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो मार्च के करंट अफेयर्स हो गए, फरवरी के करंट अफेयर्स, जनवरी के करंट अफेयर्स और दिसंबर के करंट अफेयर्स. अब यहाँ पर चाहे आप यू नो दिसंबर के करंट अफेयर्स मत करो, अप्रैल के करंट अफेयर्स ज़रूर कर जाना, वो सुपर इंपॉर्टेंट है. और 15 May तक के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर करने होंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 May को है, तो 15 May तक के करंट अफेयर्स आपको कर जाने हैं, ठीक है ना. अब करंट अफेयर्स कहाँ से करें, आपके अगर खुद के नोट्स आपने बनाए हुए हैं वो कर सकते हैं, आपने किसी मैगजीन को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको मार्क करके रखा हुआ उसमें से रिवाइज कर सकते हैं. कुछ भी नहीं किया है तो loggery.in से वन शॉट्स ले लीजिए. वीडियो लेक्चर्स हैं ये, वीडियो लेक्चर्स देखते हुए वन शॉट्स बेसिकली वीडियो लेक्चर्स हैं और साथ में डिजी नोट्स भी हैं, ठीक है ना. अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो जो MCQs दिए हुए मैंने loggery.in पर, मंथली MCQs प्रोवाइड करे हुए, वो तो सॉल्व करके जा ही सकते हो, वो सॉल्व कर जाओ इफ नथिंग एल्स, राइट. बट येस, करंट अफेयर्स पढ़कर जाओ, कुछ नहीं पता क्या ज्यादा आ जाए क्या कम आ जाए, रिस्क लेकर मत जाना. उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये. कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट. इस पजल टेस्ट में से अरेंजमेंट्स वाले, सिटिंग अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ज़रूर कर जाना. और जो टेबल वाले क्वेश्चन है, ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके 3 दिन में बहुत आराम से बहुत सारे आप सॉल्व कर सकते हो. सिमिलरली सीरीज के साथ भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करके जाना, ब्लड रिलेशंस के भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों. एनालॉजी में एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत सारी पढ़ जाना, अपने आपको 2 आवर्स देना और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना इस टॉपिक, और उसके बाद खत्म. डायरेक्शन सेंस टेस्ट तो बहुत ही ईजी है, बल्कि इसी वाले टाइम में अगर आप सीरीज भी कर लो तो आपको और पजल टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा. कोडिंग डिकोडिंग, एग्जांपल एक्सरसाइज दोनों करने हैं. इसके लिए आप RS अग्रवाल या फिर अरिहंत की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्टिकुलर बुक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में इन्वेस्ट करें, सो दैट आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, ठीक है. उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस. देखिए यहाँ पर आपको स्टैटिक GK जो है यूनिवर्सल्स की, अरे यहाँ पे तो बात आया नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो MCQs हैं वो यूनिवर्सल्स की बुक में से करने हैं, ठीक है. जो स्टैटिक GK है वो भी यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको डायरेक्ट MCQs अब रट्टा मारने पड़ेंगे. एंड येस, मॉक टेस्ट हर में मैं ऐड कर रही हूँ, हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे. जितने भी मॉक, और बाकी जो बचे हुए मॉक टेस्ट हैं वो 29 May को, ये मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल हैं, सारे के सारे सबमिट कर दोगे. एंड जितनी भी मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा टेस्ट हैं, ठीक है ना, चाहो तो आप ये 16th को भी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो बीच बीच में जब टाइम मिले तो टेस्ट सबमिट कर देना. एक्स्ट्रा टेस्ट में आपकी फुली अपडेटेड करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करवाए हुए हैं, वो ज़रूर कर जाना, ठीक है ना. क्योंकि हमें नहीं पता कौन से वाला स्टैटिक GK ज़्यादा आएगा, हमें नहीं पता कि करंट अफेयर ज़्यादा आएगा, यू नीड टू बी प्रिपेयर. तो वो टेस्ट आपको loggery.in पर मिलेंगे, वो कर जाने हैं. तो मॉक टेस्ट आप हर 3 दिन में एक दोगे, और उसके जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो याद कर जाओगे, ठीक है. उसके बाद आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत ही इजी है, इजी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं.
चार से पांच सॉल्व कर लेना एंड कॉल इट अ डे. एक्टिव पैसिव के रूल्स याद करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे. सिमिलर विथ प्रेपोजिशन, रूल्स प्लस प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रूल्स प्लस प्रैक्टिस, रूल्स प्लस प्रैक्टिस. इसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो. अगर मेरी सजेशन है तो SP बख्शी ले सकते हो, नहीं तो विच एवर इंग्लिश की बुक यू हैव उसमें से आप कर सकते हो. अब यहाँ पर हम आएंगे ये वाले टॉपिक्स पे, ठीक है. ये वाले हमारे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ. इन शॉर्ट थ्योरी पढ़ लेनी है यूनिवर्सल्स की बुक में से, ठीक है ना. और फिर उसके आपको क्वेश्चन लगाने हैं लीगल अवेयरनेस MCQs, ठीक है. और साथ ही में प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है. अगर आप इतना भी कर जा रहे हैं, इतना भी कर जा रहे हैं, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. बहुत अच्छा आपका पेपर हो सकता है क्योंकि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो किसी चीज़ का हिंट भी अगर आपको है, देन यू कैन डू वेरी वेल इन द एग्जाम. अगर हम एग्जाम के बारे में देखें, आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट हैं. मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है. उसके बाद द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं. ये क्लैट जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ईजी होता है क्लैट से. देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है. 2 आवर्स का आपका एग्जाम है. इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के हैं. लॉजिकल एनालिटिकल 40 के हैं. इंग्लिश 30 का है. मैथ्स को हम अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, 10 मार्क्स हम बिल्कुल छोड़कर जा रहे हैं. हम इन 140 मार्क्स पे जो है वो अपना फोकस रख रहे हैं, ठीक है. अगर हम टॉपिक्स देखें तो हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs कर जा रहे हैं. थ्योरी हम इसकी पढ़कर जा रहे हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करके जा रहे हैं. मार्क्स में से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे तो आ जाएंगे सॉल्व करने. कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन, सीरीज, एनालॉजी, ये सारा कर जा रहे हैं. इनमें से ये 2 इंपॉर्टेंट है, हमारे पास अभी उसके लिए टाइम नहीं. तो मैं दिखा रही हूँ कि आप मेजर टॉपिक्स कर जा रहे हो, ठीक है ना. स्टैटिक में से हम इकोनॉमिक्स और इंपॉर्टेंट डेज नहीं कर जा पा रहे, बाकी हम बहुत मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर पा रहे हैं. करंट अफेयर्स में से भी हम मोटी मोटी चीज़ें कर जा पा रहे हैं, राइट. सो येस, इफ़ यू फॉलो दिस शेड्यूल, आप बहुत बहुत चीज़ें कवर कर पा रहे हो इंपॉर्टेंट, तो यू हैव गुड चांसेस. अगर आपका लक अच्छा हुआ कि आपके 110, 100+, तो बहुत आराम से आप लेकर आ सकते हो इस एग्जाम में, बिकॉज बहुत ही ईजी है. तो कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, आप कौन सी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताकर जाना है. एंड आपका एम क्या है, GLC मुंबई या ILS पुणे या फिर आप DISBE वगैरह के लिए एम कर रहे हो, ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना. दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ. एंड बिफोर दैट, प्लीज सॉल्व द मॉक टेस्ट. हर कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करेगा. हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो जो है ना, उसका लिंक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर अभी क्लिक करो, उसको देखो और उसको अप्लाई करो. मॉक टेस्ट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप बाय कर सकते हो. दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू सुपर सून. बाय, टेक केयर.